अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी टेस्ट एंड फन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा का डो रेडी करेंगे। हाफ कप लूक वार्म वाटर में 1.5 टीस्पून यीस्ट डालेंगे, खमीर 2 टीस्पून शुगर डालकर मिक्स कर लेंगे। 5 से 10 मिनट रेस्टिंग टाइम देंगे ताकि इसमें खमीर आ जाए। देखिए अभी इसमें अच्छे से फोम आ गया। अभी हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून तेल ऐड करके मिक्स कर लेंगे। 4 कप मैदे को छान कर ले लेंगे। अभी ये जो खमीर का बनाया हुआ मिक्सचर इसमें डाल देंगे और 1 कप गुनगुना पानी ऐड करेंगे। पानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। अभी इसे हाथ से अच्छे से गूंदेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो हार्ड नहीं होना चाहिए वरना पिज़्ज़ा का बेस हार्ड बनेगा। 5 से 10 मिनट तक इसे गूंदना है ताकि डो एकदम सॉफ्ट नरम बने। देखिए अभी ये रेडी है। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए इसे रेस्टिंग टाइम देंगे ताकि इसमें अच्छे से खमीर आ जाए, ये साइज़ में डबल हो जाए। अभी चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले रही हूँ, छोटे पीसेस में कट करके। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून टिक्का मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड करके मिक्स कर लेंगे। चिकन को भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। चिकन को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया। अभी एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और चिकन को फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे चिकन का कलर चेंज होने तक। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद चिकन का कलर भी चेंज हो गया और पानी भी छूटा। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। बोनलेस चिकन है ये और छोटे पीसेस में कटा हुआ है। मैक्सिमम 10 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। चिकन अच्छे से गल गया। अब हम इसे साइड में रख देंगे। 2 घंटे हो गए इधर पिज़्ज़ा के डो को रेस्ट होते हुए। देखिए माशाल्लाह से डबल हो गया साइज़ में। अभी हम इसकी एयर निकाल देंगे। 1-2 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। अभी थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और आपको जितने साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है इस तरीके से हाथों से स्प्रेड करते हुए पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। सभी साइड से इवनली पूरा स्प्रेड कर लेंगे। मेरे पास ये केक का मोल्ड है, मैं पिज़्ज़ा इसमें बना रही हूँ। इस तरीके से सूजी को थोड़ा पैन में डाल देंगे। इस तरीके से सूजी को डालने से पिज़्ज़ा का जो बेस है वो चिपकेगा नहीं, इजीली निकल जाएगा। अभी हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ज़ोर से मत प्रेस करिए। अभी एक फोक की हेल्प से पूरे बेस पे हम इस तरीके से प्रिक कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। अभी हम ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्रीज पे। 5 से 6 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। 6 मिनट इसे बेक करने के बाद कच्चा पक्का ये बेस बन गया। मैं यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ और इसमें थोड़े वेजिटेबल्स लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़े से मशरूम और चिकन।
आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अभी इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, जितना आपको पसंद है उतना लगा लें। थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा चिकन डालेंगे, आपको जितना पसंद है उतना डालें। थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर और आपको जो जो टॉपिंग पसंद है वो सब डाल लें। थोड़े से मशरूम डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। पिज़्ज़ा को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च को कट कर कर डाल सकते। और अभी सबसे लास्ट में खूब सारा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अभी हम इसे ओवन में 180 डिग्रीज पे 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। मैं जो क्वांटिटी बताई उतनी क्वांटिटी में मीडियम साइज़ के 3 पिज़्ज़ा बन जाते। देखिए 20 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अभी हम इसे मोल्ड में से निकाल लेंगे, पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। ज़रूर ट्राई करिए आप इसे, बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए ये नीचे से भी अच्छे से कुक हो गया और कितना सॉफ्ट बना, बहुत ही जूसी स्पाइसी चीज़ी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनके रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई। हैदराबादी टेस्ट एंड फन को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।